ये मेकअप लुक वीडियो शूट किया है, ट्रेडिशनल मेकअप लुक आने वाले फेस्टिव सीजन्स के लिए। एंड अब फिलहाल तो मैंने नाइटी पहनी है, अब मैं ड्रेस चेंज करके साड़ी पहनूंगी। एंड अगेन रेडीमेड साड़ी जो मैंने अमेजोन से मंगाई है, सो वो मैं पहन करके आपको दिखाती हूँ। आज करवा चौथ है, लेकिन करवा चौथ के लिए फास्ट नहीं रख पा रही। बहुत कोशिश किया था कि रख लें, कर लें, हर साल करते हैं, लेकिन इस बार अभी देखो आज 20 है और 3 दिन बाद डिलीवरी है। 3 दिन बाद हमारा का भाई बहन आने वाला है, आने वाली है। मैं तो छूट नहीं कर देता मैंने। तो 3 दिन रह गए डिलीवरी के लिए और अभी एनर्जी बहुत कम है मेरे अंदर। मुझे भी रखने नहीं दिया फास्ट, हर साल रखता हूँ, मना कर दिया। हाँ, प्रिंस हर साल रखते हैं, लेकिन प्रिंस की भी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि कोई बात नहीं, करवा माँ हमें माफ करे, इस बार हम नहीं रख पा रहे हैं। बहुत मन था, लेकिन ये पहली बार होगा शादी के कि दोनों ने ही नहीं रखा। कभी मैं नहीं रख पाती प्रेगनेंसी में, तो प्रिंस रख लेते थे। अभी बाहर वहाँ फ्लैट का काम चल रहा है, माल आ रहा है, माल जा रहा है, कुछ कम है, कुछ है, हालत खराब हो जा रही है। सो हाँ, प्रेगनेंसी में करवा चौथ का फास्ट रखना इज क्वाइट टफ। हाँ, पूरा दिन कुछ ना खाओ ना पियो, पानी भी नहीं पियो, तो काफी टफ हो जाता है। एंड 3 दिन बाद ही डिलीवरी है, तो फिर ये ऑप्ट करना पड़ा हमें। बट आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा। मैं तो बहुत ही मन से मैंने ये साड़ी मंगाई थी, करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी, तो ऑल दो पहन लिया है, बट फिर मैंने ट्रेडिशनल लुक ही क्रिएट किया है इससे। दिल्ली और चंडीगढ़ वगैरह साइड पे ये होता है, जगह जगह मेहंदी वाले स्टूल लेके बैठे होते हैं, है ना, दीदियां आंटियां हाथों में मेहंदियां लगा रही होती है, अलग पकौड़े बन रहे हैं, कुट्टू का आटा बन रहा है, ये वो, है ना, सब अपना थाली लेके जा रहे हैं छत पे, वो अलग ही मजा आता है। और फिर तो रात को तो अलग मजा चली गया। कल आ रहे हैं मम्मी पापा, यहाँ कॉल आ गया। एंड कल हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट। बहुत सारी तैयारियां करनी रहती हैं, सो बहुत नर्वस हूँ मैं, मतलब मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छा लगे आ करके यहाँ पे, उनके घर जैसा लगे। हमारे यहाँ होता है कि बेटियों के घर ज्यादा जाते नहीं, जाते तो खाते पीते आराम नहीं करते, मतलब एक दिन जाते हैं दूसरे दिन आ जाते हैं, उतना नहीं रह पाते, लेकिन मैं चाहती हूँ मम्मी अभी रहे और बस जाए ही ना, उनको इतना अच्छा लगे। और मेरे फैमिली मेंबर्स आएंगे जब घर पूरा तैयार हो जाएगा, रिबन कटिंग करने के लिए आएंगे गृह प्रवेश में। गृह प्रवेश में थोड़ा टाइम लग रहा है, हम सोच रहे थे डिलीवरी के पहले हो जाए, लेकिन अफसोस बहुत भारी मन से ये बुरी खबर आपके साथ शेयर करनी पड़ रही है कि डिलीवरी से पहले तो गृह प्रवेश नहीं पॉसिबल पाएगा। सिर्फ 3 दिन रह गए डिलीवरी में, एंड पेंटिंग का काम रहता है, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, लेकिन पेंटिंग का काम रहता है। वो काम कुछ कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर हमने ऐड कर दिया, डाइनिंग वाला हमने कर दिया, मेन गेट एंटर, तो कुछ फर्नीचर भी रहते हैं, है ना। चलो पापा लेट हो रहे हैं, बेटा जा रहे हैं, ठीक है, फोन पे फोन आ रहा है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि आपने क्या प्लान सी सेक्शन कराया है, नॉर्मल के लिए क्यों नहीं ट्राई किया है, तो उसके बारे में मुझे लगता है हमें अच्छे से हमने बताया ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है। सी सेक्शन है या मन तो बहुत है नॉर्मल डिलीवरी कराने का, नॉर्मल डिलीवरी का प्रेशर मन में बहुत है कि नॉर्मल ही होना चाहिए, बट देयर इज सम प्रॉब्लम। हमारे से जब भी पूछो कि अगर बेबी रोएगा तो आप क्या करोगे, तो ये यही कह दिया, ओ मेरा बच्चा प्यारा प्यारा बच्चा। प्रेशर बहुत है नॉर्मल डिलीवरी का कि हो जाए, और हम अभी भी वेट कर रहे हैं, 3 दिन बच गए हमारे डिलीवरी में, लेकिन अभी भी इंतजार है कि अगर नॉर्मल पेन आया अपने आप, तो फिर अगर वाटर ब्रेक हो गया अपने आप, नॉर्मल डिलीवरी का पेन हो गया, तो हो सकता है मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए। अभी स्थिति ये है कि रेखा को पेन होने लगा है, टाको में पेन होने लगा है, तो उसका रीजन यही है क्योंकि अंदर की स्किन खुल ना जाए, टाके खुल ना जाए, तो इसलिए पेन होने लगा है ज्यादा। हमारे टाइम में बिल्कुल भी पेन नहीं होता था, ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन पहले
मैं मेरा फुल टर्म बेबी ग्रो हो चुका है, अब आने का एकदम सही टाइम हो चुका है। और जब अल्ट्रासाउंड हुआ था ना यहाँ पे टाको के ऊपर, उन्होंने मशीन लगा के चेक किया था, तो उन्होंने बोला कि लाइन अभी इतनी थिक नहीं है कि आप और ज्यादा वेट कर सको नॉर्मल डिलीवरी का। तो जो डेट डॉक्टर ने दी है वो परफेक्ट डेट है, बस अभी आपको कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है बेबी की हेल्थ को लेकर। बेबी की हेल्थ को लेकर के माएं तो झेल लेती हैं, लेकिन बेबी के साथ हम कुछ झेल नहीं पाएंगे। तो यही रीजन है सी सेक्शन हम इस डेट को करा रहे हैं, इतने पहले करा रहे हैं। अगर ही हमारा और दूसरे बेबी की एज में बन चुका है, तीन केजी बेबी का वेट है एंड हेल्दी है, सब सही है, गले में कोई नॉट भी नहीं है। अगर अमायरा और इस बेबी के बीच में 2 साल से ज्यादा का गैप होता, मे बी 4-5 साल का गैप होता, तो मेरी अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, ट्राई कर सकते थे उसके लिए। लेकिन गैप कम है, और गैप इसलिए कम है क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से यही परफेक्ट टाइम था बेबी करने का, ऐसा हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया और हमें भी लगा। ज्यादा और वेट करते तो फिर आगे चल के आपको पता है बहुत सारी दिक्कतें, कॉम्प्लिकेशन, एब्नॉर्मलिटीज आ सकती थी। तो बस किस्मत ने ये डिसाइड किया है बेबी को आना है इस रास्ते आए या उस रास्ते आए। मामा होती है यार, क्योंकि लोग क्या पॉटी है, हमारा पॉटी ट्रेन हो चुकी है, जब भी पॉटी आता है तो कहती है पॉटी आया, पापा पॉटी कराएंगे। प्रिंस को अर्जेंट कॉल आ गया तो मैं बात कंटिन्यू करती हूँ। सो हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बेबी में ज्यादा गैप नहीं दे सकते थे एंड अच्छा ही हुआ, ये सेकंड प्रेगनेंसी काफी स्मूथ गई। बस ये एंड एंड आते आते अब क्योंकि मेरा बैली बहुत अच्छे से ग्रो कर चुका है, बेबी का वेट भी हेल्दी है, काफी अच्छा खासा है, तो टाको पे बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है। तो एक तो मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो मैं भर भर के पानी पीती हूँ, लेकिन यहाँ ना जगह नहीं होती है पानी के इकट्ठा होने का, जो यूरिन आपका इकट्ठा जहाँ होता है वहाँ इतनी स्पेस नहीं होती है, जिसकी वजह से रात को अगर मैं पानी पी लूँ तो करवट बदलते टाइम या उठते टाइम या वॉशरूम जाते टाइम मुझे इन दोनों जगह पे यहाँ बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सिवियर पेन, 10 डेज से सिवियर पेन हो रहा है। सो टाको में भी दर्द बीच में होता रहता है, बहुत पेनफुल है, और एक पेट इतना ज्यादा टाइट लगता है ना, लिटरली ऐसा लगता है कि बच्चा कह रहा है कि बस मुझे अब तो बाहर ही आना है। तो नॉर्मल डिलीवरी का प्रेशर तो बहुत था कि हो जाता तो सही रहता, मैं वो भी एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, कहीं ना कहीं बॉडी के लिए वही नेचुरल डिलीवरी सही रहती है। लेकिन एक चीज अच्छी हो रही है कि इतने दिनों से मैं टेंशन में थी कि हमारा कैसा रिएक्शन देगी बेबी के लिए, क्योंकि इस बीच मैं इससे पूछती भी थी ना कि बेबी दूध पिएगा तो हमारा क्या करेगी, तो शी यूज टू हिट, तो मैंने इसको काफी काउंसलिंग दी, डॉक्टर ने भी समझाया, तो अब हमारा समझ चुकी है। और अब ये क्वेश्चन करती हूँ तो वो कहती है कि हमारा का बेबी है ना, हमारा बेबी को दूध पिलाएगी, तो हमारा ये भी बता रही थी कि हमारा अब हिट नहीं करती है, अब वो बेबी को प्यार करती है और हेट करती भी है और ऐसे उठा के चलती है ऐसे। बेबी मेरा बच्चा ऐसे ऐसे करती है और अब इसको प्यार उमड़ रहा है, अब हमारा को बेबी के लिए बहुत सारा सारा प्यार उमड़ रहा है और ये चाहती है कि जल्दी से बेबी आए, उसको बहुत सारा प्यार करे, अपने बॉयज़ों के साथ शेयर करे, उसके वो नीचे गार्डन में लेकर के जाए, तो इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी। एंड स्टार्टिंग से अगर शो यू ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर की बॉन्डिंग, ठीक है, हमारा देखते हैं कि हमारा गर्ल गैंग बनने वाला है या पापा का साथ देने के लिए, पापा के लिए। भाई देखो मुझे इतना पता है, गर्ल गैंग हो या बॉय गैंग हो, दोनों बच्चे घुमक्कड़ जरूर बनेंगे। हाँ, ये तो खून में है, खून में है। मेरे को मीठा नहीं पसंद, हमारा को लड्डू देती हूँ इतना पसंद है, भाई पूछो मत, मुझे काजू नहीं पसंद खाना, उसको काजू खाना इतना पसंद है, दिन में तुम कितना भी खिला लो बहुत काजू खाती है, क्योंकि इसके पापा ने काजू कतली ही खाई है जिंदगी भर, तो इसको भी काजू खाना बहुत पसंद है, काजू के नाम से आ गई। पापा वॉश पापा ड्रेस चेंज करने गए ना, ठीक है। हाँ, कौन आने वाला है हमारा, बेबी आने वाला। बेबी को भूख लगेगी तो क्या करोगे, खाना खिलाओगे ना, मम्मा को दूध दोगे ना। मान गई, पहले नहीं मानती थी, ये मेरे को लगे सच में, जो बाबा बच्चों के लिए जाके डॉक्टर से कुछ चीजें बुलवाते हैं ना, असर पड़ता है, हमारे तो काफी अच्छा खासा असर पड़ गया है। सो लेट्स सी, पापा इंटीरियर के काम से जा रहे हैं, आज क्या होने वाला है, आज सिविल वर्क टाइल्स आ गई है तो फ्रंट एरिया लेट हो रहा हूँ मैं, ठीक है, हमारा पापा यू गए और यू आए हमारा, चलो बाय बोल दो सबको, 1 2 3
सो मैं यहाँ मेरी डिलीवरी के 3 दिन पहले फेस्टिव सीजन ट्रेडिशनल लुक शेयर कर रही हूँ. बताना आपको ये लुक कैसा लगा. क्या कर रही हो? मैं जब भी शूट करती हूँ मेरे पीछे आके खड़ी हो जाती है. अदरवाइज मैं कितना भी बुलाऊ पास नहीं आएगी, है ना. यहाँ वो भागती रहेगी. देखो 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 देखा आपने. आपको याद है लास्ट व्लॉग में भी यही कर रही थी. जब मैं शूट कर रही थी तो पीछे सोफे बैकग्राउंड में आकर के अपनी वो देती है कि मैं भी हूँ. मैं मम्मा कैसे शूट करे अब. बहुत टाइट लग रहा है, बहुत टाइट लग रहा है. ऐसा लग रहा है बच्चा ऐसे धक्का दे रहा है, यहाँ को दीवार को धक्का दे रहा है. अरे यार हमारा देख रही क्या हुआ बेटा, क्या बताऊँ मैं क्या हुआ. बटन. ये सारे हमारा के पुराने कपड़े हैं. ये आपके कपड़े हैं, 0-3 मंथ्स के कपड़े हैं, ठीक है. और अभी मैं काउंट कर रही थी ये टोटल कितने कपड़े हैं, तो मुझे एक हंसी आई. मैं बोलती 1, 2, 3, 4, 5, 20 के बाद 21, 22, 23. कितने लोग ऐसे करते हैं कमेंट करके बताना. मतलब 29 तक तो फिर भी हिंदी में आती है. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 के आगे थोड़ा सा डाउट रहता है. ये 38, 39, 49 इन सब में डाउट रहता है. तो हिंदी में काउंटिंग आती नहीं हो, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आती है. कमेंट करके बताना आपको हिंदी में काउंटिंग आती है या नहीं. आनी चाहिए, मैं सीखूंगी क्योंकि मुझे हमारा को भी सिखाना है. टोटल मैं काउंट कर रही थी हमारे के कितनी ड्रेसेस हैं. तो ये हैं कुल मिला के 40 कपड़े हैं, और ये 0-3 मंथ्स के कपड़े हैं. 90 दिन के कपड़े हुए, और एक ड्रेस की बारी मुश्किल से मुश्किल 2 बार ही आ पाएगी, उसके बाद नहीं आ पाएगी. तो ये ओवर शॉपिंग की है, जो कि सरासर गलत है. इतनी ओवर शॉपिंग नहीं करनी चाहिए. न्यूबॉर्न बेबी के 40 कपड़े नहीं होने चाहिए. लोगों के पास 1-2 कपड़े पहनने को नहीं होते, और मेरे घर में 40 कपड़े हैं मेरे न्यूबॉर्न बेबी के लिए, जो कि बहुत ही गलत है. और मुझे अब अपनी गलती सुधारनी है. वैसे भी कपड़ों से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. सो अब बीइंग इन्फ्लुएंसर अलग अलग कपड़े लेने पड़ते हैं, बट मैं अपने कपड़े हमेशा डोनेट कर देती हूँ. अगर आपको याद होगा लास्ट दिवाली में भी, क्योंकि मैं हॉल वीडियोस करती हूँ मीशो के मंगा के या मिंत्रा के अमेज़ॉन के सूट वगैरह मंगा के दिखाती हूँ, तो मेरे पास इतने सारे मतलब 3 या 4 बेडशीट भर दो, फिर ऐसे ऐसे गांठ बांध दी थी. वो सब मैंने मेरे सोसाइटी में जो हेल्पर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स, उन सब में डोनेट कर दिया था मैंने. फिर खोलो और इसके अंदर कपड़े डाल लो, फिर एक साथ बैठ करके कहीं ऑफिस में अपने निकाल लेना, जिसको जो पसंद आएगा. लास्ट व्लॉग में बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि इतने सारे कपड़ों का मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्यों वेस्ट कर रही हूँ. मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ. फैशन वीडियोस बनाती हूँ तो कपड़े बहुत सारे होते हैं मेरे पास, बट मैं नहीं पहन सकती अकेले इतने सारे कपड़ों को. तो मैं हमेशा अपने कपड़ों को उनको देती हूँ जिनको जरूरत होती है. सो इससे भी डबल कपड़े और मैं ऑलरेडी दे चुकी थी लास्ट मंथ, अभी ये और निकल करके आए थे तो ये मैंने दे दिया. एंड ये कोई फटे पुराने कपड़े नहीं है, ये सारे ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कपड़े हैं जिनको शायद 1 या 2 बार ही पहना है. एंड कुछ कपड़ों में टैग लगे हुए हैं, पहना भी नहीं है. लुकबुक शूट करने के लिए कपड़े मैं खरीद तो लेती हूँ, लेकिन फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती हूँ जिन लोगों को जरूरत हो. अच्छा नहीं बनाती इस बार, बनाया क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्यों वेस्ट कर. सो गाइस मैं कभी भी कुछ वेस्ट नहीं करती हूँ. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा ये सब देख रही है, सीख रही है कि जो चीज़ें आपके पास है वो दूसरों के साथ शेयर करो, दूसरों को भी दो, अपने तक सीमित ना रखो. तो वो कपड़े उनके काम आ गए थे, और वो सारे मोस्टली ऐसे कपड़े थे जो मे बी शूट के लिए पहना हो या 1-2 बार पहना हो, क्योंकि इतने सारे कपड़े तो मैं पहन भी नहीं सकती. तो न्यू थे, अच्छे थे, अच्छी कंडीशन में थे, बुरी कंडीशन में नहीं थे, तो उनको दे दिया. एंड अभी भी मैं यही करने वाली हूँ. अमारा के कपड़े तो मैंने बचा के रखे थे क्योंकि मुझे पता था मैं दूसरा बेबी प्लान करूँगी तब मेरे काम आ जाएगा. सो अभी ये मेरे काम आ रहा है. जैसे ही मेरा बेबी 4 मंथ का होगा, क्योंकि 0-3 मंथ्स के कपड़े हैं, जैसे ही बेबी 4 मंथ का होगा तो मैं इन कपड़ों को भी डोनेट कर दूँगी. जिसको चाहिए, जिसको ज़रूरत है, उस तक ये कपड़े पहुँच जाएंगे अच्छी कंडीशन में. एंड यस, ये बिंग इन्फ्लुएंसर ये जो गलती होती है कि ओवर शॉपिंग हो जाती है, उसको मैं इस तरीके से रेक्टिफाई करने की अपनी पूरी कोशिश करती हूँ. क्योंकि चीज़ों की बर्बादी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. जब कोई पानी वेस्ट करता है बर्तन धोते हुए, कपड़े धोते हुए, या रैंडमली ऐसे ही, मुझे बहुत गुस्सा आता है. पानी की वेस्टेज, कपड़ों की वेस्टेज, पैसों की वेस्टेज, खाने की वेस्टेज, ये सब चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आती हैं. इन कपड़ों में से मैंने सिलेक्ट कर लिया था कि हॉस्पिटल बैग में क्या पैक करूँगी, लेकिन फिर से मैंने निकाल दिया क्योंकि प्रिंस को भी दिखाना रहता था और उनका भी सिलेक्शन मायने रखता है ना, ऐसे कैसे मैं उनसे ना पूछूँ. तो अभी मैंने उनको दिखाया और उन्होंने और कंफ्यूज कर दिया.
तो दो हिस्सों में कपड़ों को डिवाइड कर दिए हैं। तो ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये इनमें से हॉस्पिटल बैग के लिए रखूँगी मैं। 3 दिन का मेरा हॉस्पिटल का ट्रिप होने वाला है, 3 दिन का दर्दनाक ट्रिप। सो, उनमें बेबी को ये पहनाएंगे। दर्दनाक तब जब पेन होगा, वैसे तो मेरी ज़िंदगी का खुशी का दिन होगा। अजीब है ना यार, खुशी भी तब है और दुख भी तब है। दुख फिजिकल, वो जो अब आपकी स्किन की 7 लेयर कट जाती है ना सी सेक्शन में, भाई बैन बचती है। कोई डिलीवरी ईजी नहीं है, नॉर्मल भी और सी सेक्शन भी। इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है। ये सब धुल करके रखे हैं, सारे कपड़े धो दिए हैं अच्छी तरीके से, प्रेस कर दिया है। अब इनमें से 3 कपड़े हॉस्पिटल बैग में जाएंगे, बाकी बेबी के वार्डरोब में जाएंगे। तो सिलेक्शन करना बाकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे ड्रेसेस हैं। अच्छा एक बात, अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, तो पता क्या, यहाँ पे जो नाभि होती है ना स्टार्टिंग में, वो थोड़ी सी डेलिकेट सी होती है और बच्चे को पेन हो सकता है। तो इसीलिए ट्राई करो ऐसे रोम्पर्स पहनाओ, एक तो फुल स्लीव्स हो, पूरा कवर हो जाए बेबी इजीली, ठीक है। एंड रोम्पर्स के ये बटन साइड से हो, एकदम नाभि के ऊपर कुछ चेन जिप बटन ना आए, ठीक है। और ये पूरा ऐसे खुल जाता है, तो बच्चे को पहनाना या डायपर चेंज करना काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। एक तो इस तरीके के रोम्पर होते हैं, और एक और होते हैं, देखो ये ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी मैं भी लेके जाऊँ। इसमें देखो ये होता है कि मिट्टन का काम करता है, ये ऐसे कर दो ना, ये देखो मिट्टन बन गया। बच्चे अपने नाखून से अपने आप को मार लेते हैं कभी कभी, तो ये कवर हो जाते हैं उनके नेल्स ऐसे। और नीचे सॉक्स रहती है तो अच्छे से कवर रहते हैं। अभी देखो यहाँ जिप भी है, तो बीच में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि बीच में बेबी का नाभि होता है ना। यहाँ से खोलो, डायपर चेंज करो, पहनाओ, ये काफ़ी ईजी रहता है, कोजी रहता है। बच्चों को मतलब कोजी कपड़े पहनाने होते हैं स्टार्टिंग के डेज में। सो, ये ड्रेस परफेक्ट है, तो ये तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी फर्स्ट डे के हिसाब से। मैं ब्लू और पिंक नहीं रखना चाहती कोई भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती पहले ही आप गैस मारो। आपको गैस करने के लिए थोड़ा सा मैं तरसाऊंगी, पूछूंगी बताओ क्या है, बेबी ए गर्ल ए बेबी बॉय। ये ड्रेस भी देखो कितनी सुंदर लग रही है। आ जाओ मैं पास से दिखाती हूँ। अब मेरे हाथ दुख गए। दिखाते 40 कपड़े नहीं दिखा पाऊँगी पूरे, तो बस यही है। बट हाँ, 3 महीने बाद मैं ये कपड़े मेरी सोसाइटी के जो कम्युनिटी हेल्पर्स होंगे, मैं उन पता करूँगी किसके घर में बेबी है। तो हमारे की जितनी चीज़ें हैं, बेबी की जितनी चीज़ें हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे और मेरे काम की चीज़ें नहीं होंगी, मैं उन सबको प्यार से दे दूँगी ताकि उनके काम आए। अब मैं बुरी तरीके से थक चुकी हूँ, एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। मैंने बहुत सारा वीडियो भी शूट कर लिया और पैकिंग का भी काम हो गया और प्रिंस वाइन इंटीरियर का काम करा ही रहे हैं और कल पेरेंट्स आ रहे हैं एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड। इस बार लास्ट टाइम हमारे के टाइम मेरे साथ कोई नहीं था सपोर्ट के लिए, कैसे कैसे मैनेज किया मुझे पता है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई हमारा को संभाले जब मेरा ऑपरेशन हो रहा हो। एंड आफ्टर डिलीवरी मदर केयर की ज़रूरत पड़ती है, इस मदर को इसकी माँ की केयर की बहुत ज़रूरत है। तो थैंकफुली थैंक गॉड मम्मा आ रही है। तो आपसे कल मिलवाऊंगी, आज का व्लॉग अकेले यहीं फिनिश करती हूँ, प्रिंस अभी घर पे नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई कैच अगेन, टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स, कीप ब्लेसिंग अस, लव यू ऑल।